भारत रूस के बीच गोवा में द्विपक्षीय वार्ता, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत 18 समझौतों पर होंगे दस्तखत। पीएम मोदी ने रूसी भाषा में किया राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत। शाम को दोनों की होगी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गोवा पहुंचे ब्राजील और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति माइकल टेमर और जेकब जुमा का किया गया परंपरागत स्वागत। गोवा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एंटी एयरक्राफ्ट गन भी तैनात। आम आदमी के एक और विधायक पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, गुलाब सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट, प्रॉपर्टी डीलर से जबरन वसूली और धमकाने का आरोप। राजस्थान के बीकानेर में जासूसी के आरोप में दो संदिग्ध गिरफ्तार, 25 लाख का लालच देकर ग्रामीणों से मांग रहे थे बीएसएफ की जानकारी, सेना की भी दोनों संदिग्धों से जारी है पूछताछ। पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले से बचने के लिए पश्तून आबादी के एक बड़े हिस्से ने अफगानिस्तान में शरण ली, आरोप के मुताबिक बिना चेतावनी के पाक एयरफोर्स और फौज ने कई इलाकों में बमबारी की। हरियाणा के हिसार में आज से अग्रोहा धाम मेले का शंखनाद, अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, 1 लाख से ज्यादा लोग होंगे शामिल।